हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, डायरेक्टर ऑफ ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, जैसे वेजिनिस्मस के पेशेंट्स हैं, मिनोपॉज के जो पेशेंट्स होते हैं, हमेशा उनका सवाल रहता है कि मैम बहुत ही पेन होता है ड्यूरिंग सेक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेक्स के दौरान पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो जनरली हम जो देखते हैं कि मिनोपॉजल फीमेल्स हैं, पीरियड जाने का समय नज़दीक आ गया है, आपके बॉडी में जो इस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसकी वजह से भी आपको इरिटेशन या तो बर्निंग सेंसेशन वजाइना में हो सकती है, पेन हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। दूसरे की जो वेजिनिस्मस है, जिनको ऑलरेडी वजाइना के जो मसल्स है वो बहुत ही टाइट है, उसकी वजह से भी उनको पेन हो रहा है। प्लस पेन की एक जो फीलिंग है, या तो माइंड में जब भी पेन शब्द आता है तो उसकी वजह से जो फोरप्ले है या तो जो सेक्स है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी उनकी जो वजाइना होती है वो ड्राई होती है, ल्यूब्रिकेशन बहुत ही कम होता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेक्स जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से उनको दर्द भी होता है या तो बर्निंग सेंसेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी महिलाएं हैं जिनको सेक्स के दौरान इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा है या तो बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उनके लिए जवाब है कि आप ल्यूब्रिकेटिंग जेल जो आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेक्स ल्यूब्रिकेशन के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मार्केट में आया था दैट वॉज ईयर 1919 में फर्स्ट टाइम जो मार्केट में जेल अवेलेबल हुआ था दैट वॉज वाई जेल। जनरली वो जो जेल है वो सर्जिकल यूज़ के लिए लॉन्च हुआ था मार्केट में, बट उसको ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी एज अ ल्यूब्रिकेटिंग जेल यूज़ किया जाता था। आजकल मार्केट में बहुत सारे ल्यूब्रिकेटिंग जेल अवेलेबल हैं, तो पहले तो हम समझेंगे कि किस प्रकार के जो टाइप्स होते हैं ल्यूब्रिकेटिंग मटीरियल के, वह पहले मैं समझाती हूँ। तो फर्स्ट है कि वाटर बेस्ड होता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है और ऑयल बेस्ड होते हैं। सो वाटर बेस्ड जो ल्यूब्रिकेटिंग जेल्स मिलते हैं मार्केट में, वह जो रहते हैं वह आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सेक्स ऑल्सो। इफ़ यू आर यूजिंग कंडोम के साथ भी वाटर बेस्ड जेल आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई सेक्स टॉयज यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी यह प्रकार के जेल यूज़ कर सकते हैं। मेन जो डिसएडवांटेज है वाटर बेस्ड जेल का वह है कि वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो बार बार आपको वह जेल का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा जो है कि सिलिकॉन बेस्ड जो जेल आते हैं वह भी काफ़ी सेफ होते हैं आप कंडोम के साथ, जैसे कंडोम जो है वो लेटेक्स मटेरियल में से बनता है, तो वहाँ पे भी आप कंडोम के साथ या तो सेक्स टॉयज के साथ सिलिकॉन बेस्ड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है कि जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत ऊंचा चला जाता है, और सिलिकॉन बेस्ड जो जेल्स आते हैं उसको क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा जो प्रकार है दैट इज़ अ ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन। ऑयल में काफ़ी बार पेशेंट आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि मैम घर में कोकोनट ऑयल था तो वह हमने इस्तेमाल कर दिया, या तो खाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि घर में हेयर के लिए या स्किन के लिए जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो उसका इस्तेमाल ना करें। आप कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑयल होता है, या तो कैनबिस ऑयल है या तो CBD ऑयल जो मिलता है वह आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल बेस्ड जो जेलीज होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, प्लस एज अ हाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है, तो आपकी जो नीचे की स्किन है उसको भी हाइड्रेशन मिलेगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन भी स्मूथ हो जाती है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज जो है वो मेन यही है
कि एक तो ऑयल बेस्ड होता है तो जो स्टेनिंग होती है आपके जो भी बेडशीट्स वगैरह होते हैं या तो क्लोथ्स होते हैं उस पर स्टेनिंग हो जाती है, प्लस ऑयल बेस्ड होता है तो कोई कोई पेशेंट को कभी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेटिंग जेली जो होती है वह आप कंडोम के साथ या तो सेक्स टॉयज़ वगैरह रहता है उसके साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंडोम जो है वो लेटेक्स मटेरियल से बनता है और यह जो ऑयल बेस्ड जेलीज है वह रिएक्ट करता है लेटेक्स मटेरियल के साथ और जो मटेरियल लेटेक्स जो है उसको वीक बना देता है, तो कंडोम फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। सो मेक श्योर कि आप कंडोम के साथ ऑयल बेस्ड जेलीज जो है ल्यूब्रिकेटिंग जेलीज उसका इस्तेमाल ना करें। तो दूसरे जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेटिंग जेल के, कि कभी कभी आपके जो स्किन के जो इंटरनल पोर्स वगैरह रहते हैं उसको ब्लॉक कर सकता है और क्लीनिंग अगर आपने अच्छे से नहीं की है तो इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ल्यूब्रिकेटिंग जेल का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना है कि आप कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ल्यूब्रिकेटिंग जेल रहते हैं कि जो स्पर्म फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो और आपको ल्यूब्रिकेटिंग जेल का इस्तेमाल करना है तो आपको ऐसे ल्यूब्रिकेटिंग जेल यूज़ करने हैं जो स्पर्म फ्रेंडली हो, इसकी वजह से स्पर्म के मोटिलिटी या तो मॉर्फोलॉजी पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, स्पर्म की जो वाइटलिटी है उसके ऊपर असर ना पड़े, वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको पहले चेकअप करवाना है, उनकी गाइडेंस लेनी है और उसके बाद ही उसका यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो रूटीन जेलीज रहते हैं वह स्पर्म फ्रेंडली नहीं होते हैं। देर आर स्पेशल जेलीज अवेलेबल जो हम हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं यहाँ पे उनके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं जो स्पर्म फ्रेंडली जेलीज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रिलेटेड टू ल्यूब्रिकेटिंग जेल मैंने समझाया है। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि हम लेकर आए तो वह टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी टॉपिक है जो आपको और डिटेल में जानकारी लेनी है वो भी हम लेकर आए आपके साथ। और देखते रहिए हमारे चैनल पे IVF रिलेटेड, PCOS रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वह देखते रहिए। थैंक यू।